मैडम जी, मेरी बेटी की ना तबीयत बहुत ख़राब है, उसे हम हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं शहर, लेकिन बस तब से आपने खड़ी कर रखी है, क्या हुआ है? 3 घंटे हो गए हम यहाँ खड़े खड़े, चला लो ना बस, मेरी बेटी को कुछ हो जाएगा नहीं तो। अभी ये बस और खड़ी रहेगी, मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, जाके अंदर बैठो चुपचाप। पर मैम, ये चेकिंग किस चीज़ की हो रही, मैं जान सकती हूँ? मेरी मर्जी की, तुम कौन हो? पर ये जानने का तो मेरा अधिकार है ना, आम जनता है हम लोग। सारे अधिकार तुम्हें ही है, तुम्हें सब कुछ जानना है। ज्यादा खिटर पिटर की ना, उठा के जेल में डाल दूंगी मैं तुम्हें। पर मैं तो बस जानना ही चाहती हूँ आपसे कि अगर ये चेकिंग हो रही है तो क्यों हो रही है? आपको पता है बस के अंदर कितने कॉलेज के बच्चे बैठे हैं, बूढ़े लोग बैठे हुए हैं, और ऊपर से गर्मी इतनी हो रही है, सब परेशान हो रहे हैं। मुझे लगता है तू शहर में नहीं आई है, तुझे मेरे बारे में पता नहीं है। ज्यादा जबान चलाई ना, उठा के जेल में डाल दूंगी, और 2 डंडे पड़ेंगे ना, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी तेरी। आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर होके इस तरीके से बात कर रही हैं, यही तमीज है आप में? तू मुझे तमीज सिखाएगी? मैम अब तो जाने दो, मेरे पास तो सारे कागज है मैम। हाँ चले जाना, लेकिन पहले ये 5,000 का चलान भर के जाओ। क्या कहा आपने, 5,000? हाँ जी। लेकिन इनके तो पेपर्स भी सारे पूरे, तो आप 5,000 का चालान क्यों काट रही हैं? मेरी मर्जी के। मुझे तो आप पर डाउट हो रहा है, मैं आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स देख सकती हूँ? और अगर आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर है तो आपकी यूनिफॉर्म कहाँ है? मुझे लगता है तू शहर में नहीं आई है, तुझे मेरे बारे में कुछ पता नहीं है क्या? मैं कौन हूँ, मेरे पापा कौन है? अगर तुझे उठा के मैंने जेल में डाल दिया ना, कोई पूछने भी नहीं आएगा। मेरे पापा यहाँ के विधायक हैं, उनके पास इतने पैसे हैं ना कि तुझे जेल के चक्कर कटवा सकते हैं। और तुझे देख के तो मुझे लगता भी नहीं है कि तेरे पास पैसे होंगे, कहाँ से भरेगी जेल का खर्चा? तो आप मुझे अरेस्ट करेंगे किस जुर्म में? ज्यादा जबान चलाने के जुर्म में। चल तू चल यहाँ से। 1 मिनट, ये सब क्या हो रहा है? दिखाई नहीं दे रहा है, जेल लेके जा रही हूँ मैं इसे। आपका दिमाग खराब है, आपको पता भी है ये कौन है? कौन है ये? ये यहाँ की न्यू SP है। SP? मैम, आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचानने में गलती कर दी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आप लोगों को लूट रही हैं, आम जनता को लूट रही हैं, और ये अधिकार आपको किसने दिया? सॉरी मैम, ऐसा कुछ नहीं है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। क्या कुछ नहीं है? नहीं मैम, ये झूठ बोल रही हैं। मैं ना इस बस से हमेशा शहर आती हूँ, और ये लोग हमेशा बस को ऐसे ही रोकते हैं, 3-3 घंटे रोके रखते हैं, और लोगों से पैसा वसूलते हैं, और मैम बहुत गंदा व्यवहार करते हैं हमारे साथ, बदतमीजी करते हैं। मैम ये झूठ बोल रही है, तुम झूठ क्यों बोल रही हो, जाओ यहाँ से। 1 मिनट, ये बिल्कुल सच बोल रही है। ये जो तुम लोगों के साथ हरकतें करती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम पुलिस फोर्स के नाम पे कलंक हो, तुम जैसे कुछ पुलिस ऑफिसर की वजह से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम होता है। मुझे तो घिन आती है तुम जैसे ऑफिसर्स को देखकर, और अगर अभी तुम्हें पता नहीं चलता कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, तो तुम तो मेरे साथ पता नहीं क्या करती, और मुझे जेल में डाल देती झूठे आरोप में। और मुझे ये भी पता है तुमने ऐसा लोगों के साथ बहुत किया है, किया होगा ना? चलो एक काम करते हैं, अपने विधायक पापा को कॉल लगाओ, उनसे बात करना चाहती हूँ। नहीं मैम। मैंने बोला कॉल लगाओ उन्हें। हेलो, नमस्ते सर, मैं इस शहर की नई SP बोल रही हूँ, और आपकी बेटी मेरे सामने है। आपकी बेटी को डिसमिस कर दिया गया है, और आपके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि आपकी वजह से आपकी बेटी बहुत बिगड़ रही है। तो रेडी हो जाइए कानूनी कार्रवाई के लिए। प्लीज मैम, आई एम सॉरी। तुमने कोई छोटी गलती नहीं करी है, बहुत बड़ी गलती की है, तो इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। और ये तो बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम्हारे पापा विधायक है तो तुम जेल नहीं जाओगे, तुम भी जेल जाओगे और तुम्हारे पापा भी जेल जाएंगे, क्योंकि जो गलत काम तुमने किया है उसकी कोई माफी नहीं है। तुम पता नहीं कितने लोगों से पैसे लूटती रही ना, लेकिन अब तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। हम लोगों के साथ कितना ही गलत क्यों ना करें, लेकिन बुरे कर्मों का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। अभी तुम यही सोच रही होगी कि मैं यहाँ बस में क्या कर रही थी, वो तो अच्छा हो कि मेरी कार खराब हो गई थी और जिस वजह से मुझे बस में आना पड़ा, और बस में आके देखा कि तुम लोगों के साथ कितना गलत करती हो। शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब हरकतें करते हुए? और अगर आज मेरी कार खराब नहीं होती, मुझे तो तुम्हारी काली करतूतों के बारे में पता ही नहीं चलता। लेकिन अब मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है, आज के बाद तुम ये गलती दोबारा नहीं करोगी, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी गलती करने का मौका ही नहीं दूंगी, समझी तुम? सॉरी, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बस अब मेरे सामने नाटक करने का कोई फायदा नहीं है। और तुम महिला कांस्टेबल को बुलाओ और ले जाओ इन्हें जेल में।
जी मैम, चलिए। और भैया आप ये बस ले जा सकते हैं यहाँ से। जी मैम। ठीक है, धन्यवाद मैम। चलो भैया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अभी जो आपने वीडियो देखी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है, तो जल्दी से इस वीडियो का सही मॉडल कमेंट करके बताइए, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। साथ ही इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ फैमिली का शेयर कीजिए ताकि इसका मैसेज सभी तक पहुँच सके। जल्दी से शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है, और शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक को फॉलो कीजिए। हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।